नमस्कार, हमारे कुकिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्पेशल स्वीट कॉर्न चाट। ये कॉर्न चाट बहुत ही स्वादिष्ट होगी, ये मूल से भी ज़्यादा स्वादिष्ट होगी। सबसे पहले लेंगे हम कॉर्न मतलब भुट्टा। आप चाहो तो भुट्टा ले सकते हो, ये फिर इसके बीज ले सकते हो, आपकी मर्जी है। हम इस भुट्टे से इसके बीज निकाल लेंगे सारे। भुट्टा के बीज मार्केट में मिलते हैं, आप चाहो तो मार्केट से भुट्टे के बीज ले सकते हो, या फिर आप बिल्कुल कच्चा भुट्टा घर लेके आ सकते हो और उससे बीज निकाल सकते हो। हमने भुट्टे से बीज निकाले हैं। अब हम लेंगे प्रेशर कुकर और उसमें एक गिलास पानी का डालेंगे। पानी डालने के बाद इसमें अब हम मक्का के बीज डाल देंगे। अब इसमें हम नॉर्मल से ज़्यादा नमक डालेंगे क्योंकि नॉर्मल नमक से नमकीन नहीं होगा। अब हम इसकी 3 से 4 सीटी लगवाएंगे। जब तक हमारे कॉर्न सीड बॉयल होते हैं तब तक हम प्याज, टमाटर, मिर्च और लहसुन काट लेते हैं। हमने टमाटर भी लिया है और टमाटो केचप भी लिए, दोनों लेंगे हम। अब हम लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। लहसुन का पेस्ट तैयार है हमारा। अब हम प्याज काटेंगे। प्याज को लंबी स्लाइस में काटना, छोटी स्लाइस में मत काटना, छोटे छोटे पीस मत बनाना, ऐसे लंबे लंबे पीस बना के काटना है। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे। हमने ग्रीन चिली भी ली है, ये हम तड़का लगाने के लिए यूज़ करेंगे। हमारे कॉर्न सीड बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसमें से एक सीड निकालेंगे और देखेंगे अच्छे से बॉईल हुए हैं या फिर नहीं। अगर ये अच्छे से बॉईल हुए होंगे तो ये सॉफ्ट मिलेंगे। हमारे सीड बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, हमने इनका पानी निकाल दिया है। अब एक पैन लेंगे और उसमें तेल डाल देंगे ज़रूरत के अनुसार, ज़्यादा और कम नहीं डालना, ज़रूरत के अनुसार डालना है। तेल बॉईल होने के बाद इसमें जीरे का तड़का लगा देंगे। जीरा सुनहरी होने के बाद इसमें अब लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे हिलाते रहेंगे। लहसुन की सुनहरी होने पर इसमें ग्रीन चिल्ली का तड़का लगा देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल लेंगे, हिलाते रहेंगे। प्याज को ज़्यादा सुनहरी नहीं करेंगे, प्याज बिल्कुल हल्के हल्के सुनहरी होनी चाहिए बस। अब हम इसमें ज़रूरत के अनुसार नमक डालेंगे। हमने पहले भी नमक डाला था लेकिन अब भी नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें कलर के लिए हल्दी पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर हम थोड़ा ही डालेंगे। अब ज़रूरत के अनुसार इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और मिक्स कर देंगे। प्याज हल्की हल्की सुनहरी हो चुकी है। अब हम इसमें कॉर्न सीड डाल देंगे, इसे जब तक हिलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए। आप देख सकते हो ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है, इसे कम से कम 3 से 4 मिनट और पकने देंगे। इतने हम टमाटर को बिल्कुल बारीक बारीक पीसों में काट लेंगे। हमने टमाटर को बिल्कुल बारीक बारीक पीसों में काट लिया है। हमारे स्वीट कॉर्न बन चुके हैं। अब इसे हम या तो एक प्लेट में निकाल लेंगे या फिर एक कटोरे में निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर हम कटे हुए बारीक टमाटरों को डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। अब हम डालेंगे इस पर टमाटो केचप, क्योंकि टमाटो केचप से ये और भी टेस्टी बन जाएगी। टमाटो केचप डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और लास्ट में इस पर नींबू निचोड़ लेंगे। अब हमारी स्वीट कॉर्न चाट बनकर बिल्कुल तैयार है।